सरदारी के एहसास से सिंध के अवाम में तकसीम किए जाएं तो हर शख्स के हिस्से में 2 करोड़ आएंगे। सिंध में कायदे हिजब इख्तलाफ फिरदौस शमीम नकवी का दावा, कहा पापा की बहन ने सूबे की हालत बुरी कर दी है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अंदरून सिंध में अस्पतालों, स्कूलों और मकीनों की हालत गैर हो चुकी है। ऐसे तालीमी इदारे भी देखे जहां भैंसे बंदी हुई हैं। सांगढ़ के अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर मौजूद नहीं। अस्पतालों में मच्छर मारने की मशीनें नाकारा हैं। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि सूबे में 27 आदमियों को 11 लाख से ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, जबकि उनकी कोई तरबियत नहीं है।